हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की प्रिपरेशन वेल इनफ यानी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग उन कैंडिडेट्स के लिए जो डिफेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की तरफ से जो अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट आ रही है 2024 के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं। सेलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल में क्या सब होगा, सैलरी क्या मिलेगा, मतलब सारा कुछ बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। लाइक आई टोल्ड यू कि इंडियन आर्मी में अग्निवीर रैली रिक्रूटमेंट आई है। इसमें आपको वेरियस पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट होगी। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको 4 पोस्ट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। फर्स्ट है ट्रेड्समैन की रिक्रूटमेंट, सेकंड है सोल्डर जीडी के लिए, थर्ड है आपका कलर का और फोर्थ टेक्निकल पोस्ट के लिए है। आइए पहले हम लोग पोस्ट वाइज ना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लैरिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट पोस्ट ट्रेड्समैन के लिए 8th या 10th, मतलब आपने अगर 8th पास कर रखा है तो भी ठीक है, 10th पास आउट कैंडिडेट हो तो भी ठीक है, मिनिमम 33% आपको दोनों ही में होना चाहिए। सोल्जर जीडी के लिए आपका 10th पास आउट होना चाहिए, 10th में आपका 45% मार्क्स होना चाहिए एंड 33% आपका कम से कम सारे सब्जेक्ट में 33% और ओवरऑल 45%। कलर की पोस्ट के लिए 12th पास आउट कैंडिडेट, मतलब 12th में 60% होना चाहिए एंड 50% ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में 50%। फोर्थ एंड लास्ट आपका है टेक्निकल। टेक्निकल के लिए आपका 12th में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और आपका इंग्लिश होना चाहिए, ओवरऑल आपका होना चाहिए 50% आपका 12th में, और सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो 40% ईच सब्जेक्ट में मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए। चलिए, आई होप कि आप पोस्ट नेम एंड क्वालिफिकेशन से रूबरू हो गए होंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे फी क्या लिया जाएगा। तो फॉर्म चार्ज विल बी 250 रुपीज, 250 रुपए आपका फॉर्म का चार्ज है। एज लिमिट की बात की जाए कि किस एज से किस एज के बीच के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 17.5 साल से लेके 21 साल के बीच के जो भी कैंडिडेट्स होंगे सभी इलिजिबल रहेंगे। चलिए अब देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किन किन स्टेज से गुजर के आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 4 आपका स्टेज है, जैसा देख सकते हो आप। फर्स्ट होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अलोंग विद टाइपिंग टेस्ट, मतलब कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा साथ ही साथ टाइपिंग का टेस्ट होगा। ये न्यू नोटिफिकेशन आया है उसमें ऐसा क्लियरिफाई किया गया है। सेकेंड आपका फिजिकल होगा, थर्ड होगा मेडिकल एंड फोर्थ होगा आपका फ्रेंड्स यहाँ पर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो आई होप कि सिलेक्शन प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। और फ्रेंड्स अब हम लोग बात कर लेते कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो आपका होगा एग्जाम ऑनलाइन, आपका पोस्ट वाइज क्या रहने वाला है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट पोस्ट जो आपका है जीडी एंड ट्रेड्समैन के लिए 50 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए होंगे। टाइम रहेगा 60 मिनट, 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग इस पोस्ट के लिए आपका 0.25। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें जीके के होंगे 15 क्वेश्चन, साइंस के होंगे 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन एंड लास्ट सब्जेक्ट रीजनिंग के 5 क्वेश्चन होंगे। कलर के लिए स्टोर कीपर की जो पोस्ट है उसके लिए 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम विल बी 60 मिनट्स और निगेटिव मार्किंग 0.5 का होगा। सब्जेक्ट वाइज इसमें अगर बात की जाए जीके के होंगे 5 क्वेश्चन, साइंस के भी 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर से रिलेटेड 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन एंड लास्ट सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, इससे 25 क्वेश्चन। और लास्ट जो आपका पोस्ट है टेक्निकल, टेक्निकल में भी आपका 50 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए, टाइम 1 घंटे का रहेगा, निगेटिव मार्किंग 0.5 का रहेगा। इसमें भी सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स का 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। सो ये आपका पोस्ट वाइज ओवरऑल एग्जाम पैटर्न है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है फिजिकल, तो मैं आपको प्रॉपर अच्छे से बता देती हूँ कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है।
फिजिकल में सबसे पहले आपको पता है रनिंग होती है 1.6 किलोमीटर की। तो अगर इस रनिंग को 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 5 मिनट 30 सेकंड में जो कंप्लीट करता है उसे मिलेगा 60 मार्क्स, और जो 5 मिनट 31 सेकंड में कंप्लीट करेंगे उनको मिलेगा यहाँ पर 48 मार्क्स। और इसके अलावा आपका पुलअप्स होगा 10 टाइम्स 40 मार्क्स के लिए। 9 फीट का डिच मतलब 9 फीट का आपको एक गड्ढा बनाना होगा, ये क्वालिफाइंग होगा। जिग जैग बैलेंस भी क्वालिफाइंग होगा, जो रस्सी होती है ना उसके ऊपर आपको बैलेंस करके चलना होता है, वो टेस्ट होगा। और आगे हाइट की अगर बात करें तो कलर की पोस्ट के लिए मिनिमम 162 सेंटीमीटर, अदर पोस्ट के लिए 169 सेंटीमीटर। चेस्ट की रिक्वायरमेंट 77 टू 82 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यहाँ पर आपसे मांगा जा रहा है। सो दिस इज योर फिजिकल क्राइटेरिया, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं पे कुछ डाउट वगैरह हो मन में कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब रही बात की फिजिकल क्वालिफाई करोगे तो मेडिकल होगी, देन डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। इंडियन आर्मी के आपको जहां पे भी आपका हेडक्वार्टर्स है या फिर आपको जहां पे भी सर्व करने बोला जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में आपको सर्व करना पड़ सकता है। और जैसा आपको पता है कि अग्निवीर रैली के थ्रू होगी तो ये आपका 4 ईयर्स के लिए होगा। तो चलिए मैं 4 साल की आपको सैलरी बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है 30,000 रुपीज पर मंथ, 30,000 रुपए पर महीने आपको एक साल दिया जाएगा। दूसरे साल में 33,000 रुपए आपको पर महीने मिलेंगे। थर्ड ईयर जब मूव करोगे तो 36,500, 36,500 रुपए पर महीने की सैलरी। एंड लास्ट ईयर जो फोर्थ ईयर होगा ना, 40,000 रुपीज पर मंथ, मतलब 40,000 आपको हर महीने सैलरी मिलेंगे। और रही बात, अब आप सोच रहे होंगे कि 4 साल के बाद जॉब छोड़ेंगे तो क्या एक सर्विस मैन का जो आपको मिलेगा ना टैग, उसके थ्रू आपको बहुत सारे वैकेंसीज में रेलवे वगैरह में खास करके रिजर्वेशन दिया जाएगा। और जिस समय आप एग्जिट करोगे ना अपना सर्विस 4 इयर्स के बाद, आपको 11.71 लाख एज सेवा निधि पैकेज, आपको 11,71,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। सो आई होप कि आप अच्छे से सारा कुछ समझ गए होंगे। कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो मन में आप कमेंट सेक्शन में पूछो। इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आएंगे मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूंगी, तो मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों ही का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, वहां पे कि आप फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हो, तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच पाए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब के अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।